हेलो एवरीवन, मैं आपका कुलदीप सिंह सेकर आईपीएस कॉलेज यूट्यूब चैनल पे हम सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं डोमेन और होस्टिंग के बारे में। डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें अगर वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हमें डोमेन के बारे में और होस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो हम डोमेन के बारे में बात करते हैं, इसकी डोमेन होता क्या है। तो डोमेन नेम, जो आपका डोमेन नेम है, ठीक है, वो क्या है, एक एड्रेस है वेबसाइट। डोमेन नेम क्या है, एक वेबसाइट का एड्रेस है, क्लियर, एक एड्रेस है किस चीज का, आपकी जो वेबसाइट है उसका। तो जब भी आप कोई डोमेन परचेस करते हो तो आपको नेम से मिलता है, जैसे digitalmarketing.com, fashion.com। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप दुकान ले रहे हो, कोई भी चीज घर ले रहे हो, तो क्या होता है, एक नेम होता है, दुकान का कोड नंबर होता है, वो चीज होती है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट लेते हो तो वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल digitalmarketing.com, fashion.in, जैसे .com, .in, .xyz काफी होते हैं डोमेन। ये डोमेन है, ये डोमेन एक्सटेंशन होता है, जैसे .in, .in होता है, .com होता है, .xyz होता है, .tv होता है, .club होता है, .shop होता है, काफी चीजें होती है। तो डोमेन क्या है, डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस है, उसको हम डोमेन बोलते हैं। सेकंड बात आती है आपकी होस्टिंग। होस्टिंग क्या है, होस्टिंग एक सर्विस प्रोवाइड करवाती है, एक स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है, जिसमें हम कोई भी फाइल, कोई भी पीडीएफ, कोई भी प्रोग्राम अपनी वेबसाइट पे पुट अप कर सकते हैं, उसके लिए हम होस्टिंग यूज करते हैं। तो दोनों चीजों के बारे में आपको पता चला, व्हाट इज डोमेन और व्हाट इज होस्टिंग। तो दोनों चीज है, डोमेन है हमारे पास और होस्टिंग है हमारे पास। तो डोमेन में हमने फर्स्ट चीज क्लियर की कि डोमेन एक वेबसाइट का एड्रेस है जिससे हम वेबसाइट को सर्च करते हैं, और होस्टिंग क्या है, अब सर्च तो हमने कर लिया वेबसाइट को, ठीक है, अब अगर उस वेबसाइट को हमें देखना है तो वो काम किस में करेंगे, होस्टिंग में करेंगे, क्योंकि वेबसाइट जो अपलोड होगी, चाहे वो वर्डप्रेस से बनी हो, चाहे वो कोडिंग से बनी हो, चाहे अदर किसी प्लेटफॉर्म से वेबसाइट बनी हो, वो सारा काम होस्टिंग करता है। तो जब डोमेन और होस्टिंग मर्ज होते हैं तो हमें हमारी वेबसाइट शो होती है नेम से। जैसे digitalmarketing.com आप सर्च करोगे तो आपके पास वेबसाइट शो हो जाती है, वो किससे होती है, डोमेन और होस्टिंग से। तो दोनों चीज क्लियर। अब दोनों चीज में हम बात करते हैं, पेड और अनपेड। डोमेन होस्टिंग पेड भी प्रोवाइड होते हैं और अनपेड भी प्रोवाइड होते हैं। ये लाइफ टाइम तक प्रोवाइड नहीं होते, ईयरली बेस पे प्रोवाइड होते हैं। जस्ट लाइक डोमेन, डोमेन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ऐसे प्रोवाइड होता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। उसके बाद क्या है, अगर आज की डेट में आपने डोमेन लिया 1 ईयर का, अगली डेट, अगले साल को आपको रिन्यू करवाना होगा, 2 साल पहले तो 2 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, ऐसे ही होस्टिंग। वन ईयर, वन मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। अगर हम 1 ईयर का डोमेन और 1 मंथ की होस्टिंग लेते हैं तो हमारी वेबसाइट ओनली 1 मंथ तक ही शो होगी। क्यों, क्योंकि डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम इज ए एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। हमें नाम तो मिल गया, ठीक है, बट जो चीज हमें सर्विस शो करवानी है, कोई भी फाइल है, कोई भी पीडीएफ हमें, तो हमारी वेबसाइट कोडिंग से चाहे वर्डप्रेस से, वो किस में है, होस्टिंग में। अगर होस्टिंग 1 मंथ की होगी तो 1 मंथ तक ही हमारी शो होगी। तो दोनों चीज के लिए, डोमेन और होस्टिंग के बारे में, ये तो पेड के बारे में कि 1 ईयर का होता है, 2 ईयर का। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास दो है जहां से आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हो, उसके लिए मैं आपको चीज आइडिया बताता हूँ। दो प्लेटफॉर्म आपके पास, फर्स्ट आता है आपके पास, फर्स्ट आता है आपके पास होस्टिंगर और सेकंड आता है गोडेडी। ये दो प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट, और भी आता है, रॉक्स है, काफी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डोमेन होस्टिंग मिल सकती है, बट होस्टिंगर में सर्विस अच्छी है, काफी कम प्राइसेस में आपको सारी चीजें मिलेगी, एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिलेगा उसमें,
काफी चीजें सर्विसेज अच्छी है, ईमेल मिलेगी, स्टोरेज भी अच्छा मिलेगा, डोमेन की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है वहां पर, सारी चीजें अच्छी है। तो गोडेडी और हॉस्टिंग का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप यूज कर सकते हो पे। अब हम फ्री की बात करें तो infinityfree.com है, wordpress.com है, ये ऐसे हैं जहां पर आपको फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग मिलती है। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, डोमेन के बारे में और होस्टिंग के बारे में, फ्री के बारे में और पेड के बारे में। तो दोनों चीजों में क्लियर कर दिया हमने, पहली चीज कि डोमेन क्या है, डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट, और होस्टिंग क्या, होस्टिंग इज सर्विस दैट प्रोवाइड स्टोरेज फॉर योर फाइल, जो आपकी फाइल है चाहे वो कोडिंग की है, चाहे वो वर्डप्रेस की है, चाहे भी कोई भी सॉफ्टवेयर आपका, या कोई भी पीडीएफ है, कोई पीपीटी आपकी, वो चीज आप होस्टिंग में करते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने ये भी बता दिया आपको कि डोमेन ईयरली बेस पे होता है, होस्टिंग भी ईयरली बेस पे होते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं होते, ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के बाद आप रिन्यू करवा सकते हो इनको। और फ्री फ्री प्लेटफॉर्म के लिए infinityfree.com बताया आपको मैंने, और पेड के लिए गोडेडी और होस्टिंगर बताया मैंने आपको डोमेन होस्टिंग के लिए। तो सेकंड क्लास में हमने क्या सीखा, डोमेन और होस्टिंग के बारे में। अब ज्यादा चीजें सीखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आईपीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही इंस्टाग्राम को फॉलो करें, क्योंकि उसमें हम आपको आइडियाज, ट्रिक्स, प्लेटफॉर्म्स, काफी टिप्स बताएंगे उसमें, काफी चीजें बताएंगे उसमें भी हम आपको, जिससे आपको नॉलेज होगा चीजों के अपडेट का, हर चीज के बारे में, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में, C++ के बारे में, वेब डिजाइनिंग के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में, हर चीज के बारे में, BBA के बारे में, BCA के बारे में, MBA के बारे में, करियर को लेकर, हर चीज के बारे में हम IPS कॉलेज यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें आपको समझाएंगे, IPS यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी हम आपको सारी चीजें समझाएंगे। ओके, तो सेकंड वीडियो में हमने डोमेन और होस्टिंग के बारे में